कोरोना काल में तमाम लाख दावे कर ले की कोरोना की वजह से जिन कामगारों के हाथ से रोजगार छिन गया है उन्हें स्थानीय स्तर रोजगार मुहैया कर आर्थिक मजबूती दी जा रही है जिसकी जमीनी हकीकत जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर ग्राम पारधीपारा गांव में उजागर होती है जहां विशेष जनजाति के लोगो को बीते सात साल ऐसी बास नसीब नहीं होने ऐसी इस काल में जीवन बसर करना मुश्किल हो रहा है बासों ऐसी सामन बना जीवन बसर करने वाले बसौन जनजाति का कोरोना काल मुश्किल ऐसी गुजर रहा है जिसका मुख्य वजह विभाग की ओर हर साल पंद्रह सौ मिलना बंद होना बताया जाता है बनसोर जाति के लोगों के बीते सात सालों से वन विभाग मांस उपलब्ध नहीं करवाया है उन लोगों के नाम पर हर साल वन विभाग पंजीयन तो करवाता है लेकिन बांस सालों से नहीं मिल पा रही आसपास के गांव से निजी किसानों से बांस खरीद थोड़ा बहुत अपना काम चलाया जा रहा है कोरोना काल में लगे लॉकडाउन ने उनकी पूरी कमर ही तोड़ दी है उनका मुख्य पेशा बंद होने के कागार पे पहुँच चुका है गाँव में तकरीबन चालीस घरे है जो इस समस्या ऐसी जूझने को मजबूर है जल्द ही विभाग उनकी मदद नहीं करता है तो समस्याएं और बढ़ सकती है हमार जाति पार दी जाती है और मुखिया धंधा हमारे बांस आए फिर लेकिन बांस के द्वारा हमारी नहीं चलब इधर है बांस होते ना तो हमार जिंदगी चलते पंजीयन कराये सब कर फिर लेकिन अब क्या करब बा नहीं मिले ना सरकारे खुद नहीं देते, सरकार बोलते कि कैसे कहाँ के बांस ला तुम ला देहूँ तो अब कोरोना काल है और में जाए बनी सकन हम अब बर्तन गला बनाथन तेल बेकरी करे ब मुश्किल यहाँ कम से कम बीस छानी रहीस फिर अभी बढ़ीस करोना के माध्यम से हम लोगों का जीवन पानी नहीं चलता क्योंकि आसपास के गांवों में तो पूरा बंद है इसलिए हमको ये सामान जो बनाते हैं वो सामान बिक नहीं पाते शासन के तरफ से जो हम लोग पंजीयन करवाए तो वो बोलता है शासन की मैं मेरे, मेरे डिपो में बांस नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा बांस करके बोल रहा है तो हम हम लोगों को बांस का जीवन है तो हम लोगों को बांस चाहिए तो लगभग कम से कम पंद्रह सौ का टारगेट आप बना के देते हैं उसमें कम से कम सौ दो सौ विवाद देंगे तब तो हमारे जीवन में अपन चलेगा करके हम बोल रहे हैं के लिए से बिपलफ की रिपोर्ट